जो प्लानिंग या शेपिंग मशीन हॉरिजॉन्टल काम करते हैं, यह मशीन वही काम वर्टिकल करता है। तो सबसे ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत होती है जब किसी गियर में कीवे करना है। ये जो मशीन आज हम समझने वाले हैं, इसके मैन्युफैक्चरर राजकोट में बहुत है, लेकिन हमें मशीन चाहिए कैसा? हमें वो मशीन चाहिए जिसमें हमें एक्यूरेसी मिले। मैं जब तक जानता हूँ, 6 इंच का जो पोर्शन है उसमें अगर आपको 150 माइक्रोन की एक्यूरेसी मिल जाए तो ये हमारे लिए अच्छा मशीन कहलाता है। 10 mm का टूल वाइडनेस के साथ अगर आप आधा mm की कट लेना चाहे तो इस मशीन के ऊपर पॉसिबल है। मैं आपको बात करता हूं बॉडी का जो अंदरूनी हिस्सा है, इसके अंदर 2 गियर रहते हैं, वो इस आर्म को, जो आर्म SGN कास्ट आयन का बना हुआ है, ये कास्ट आयन स्ट्रेंथ वाला होता है, किसी भी झटके क्रैक नहीं होता है। जब ये अंदर स्लॉटिंग मशीन चल रहा है उसके झटके को सह सकता है। गियर का स्ट्रेंथ अगर आपको सही मिलता है तो ये मशीन आपको शायद 20 साल तक बिना मेंटेनेंस, बिना रुके हुए काम देता रहेगा, क्योंकि ये हमारा मास्टर ब्लॉक है। इसी के जरिए हम सभी मशीनों को चेक करते हैं, चाहे मिलिंग हो या फिर स्लॉटिंग हो। आप अपने मैन्युफैक्चरर से एक्यूरेसी भी चेक करवाइए और उसके ऊपर मैक्सिमम बड़ी कट, कितनी बड़ी कट आप ले सकते हैं वो भी आप मैन्युफैक्चरर से मांगिए। यही तो जरिया है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का। अगर आप मेटल रिमूव जल्दी करेंगे आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे। राजकोट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप के जरिए या यूट्यूब के जरिए मशीन की एक्यूरेसी चेक करने के बाद ही खरीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आप मेरे साथ जुड़े रहें।